वेलकम टू आवर चैनल ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इको मोड और पावर मोड के बारे में। ये इको मोड है, ये पावर मोड के बारे में, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर ले, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर मिलती रहे। तो लीजिए इको मोड पावर बारे में जाने। दोस्तों ये लो जो हम आपको इको मोड और पावर मोड के बारे में बताने जा रहे थे, तो ये देखो ये स्पीडोमीटर है, इसके अंदर ये इको मोड और एक ये पावर मोड है। इको मोड जो इसकी लाइट होती है वो ग्रीन लाइट होती है और पावर मोड की येलो लाइट होती है। ये बाइक में भी होती है, स्कूटी में भी होती है, लगभग सभी व्हीकल में है टीवीएस के। तो इको मोड पावर मोड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अब चाबी ऑन करते हैं और ये मीटर ऑन हो जाता है इसका। तो ये आप देख रहे हैं अभी ये है इको मोड, इसको बोलते हैं इको मोड। इको मोड क्या काम करती है, इको मोड के लिए सबसे बढ़िया चीज़ और ख़ास बात ये है कि यदि हमें एवरेज बढ़िया निकालनी है स्कूटी की या बढ़िया बैकअप लेना है, कितना पेट्रोल, एक लीटर पेट्रोल कितनी एवरेज देती है, अगर उसके लिए बढ़िया एवरेज निकालनी है तो हमें इको मोड के अंदर ही अगर कन्वर्ट करके हम गाड़ी चलाते हैं तो इको मोड के जो कन्वर्टिंग होता है 50 से 60 की स्पीड तक इको मोड रहता है। अगर उसके ऊपर हम जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही पावर मोड में चेंज हो जाता है, तो जिससे हमारे फ्यूल की कैपेसिटी बढ़ जाती है और एवरेज जो है वो घटने लगता है। तो इसलिए हमें अच्छी एवरेज निकालने के लिए हमें इको मोड में ही गाड़ी को रखना चाहिए और गाड़ी चलाना चाहिए। इको मोड इज़ बेस्ट, पावर मोड इज़ फ्यूल लॉस। तो दोस्तों ये है इको मोड और पावर मोड का फीचर। तो जिसको कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।